माइनर शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और इंटेंशन सही रखें। और अपने पर्सन के बारे में आपको सोचना है, इंटेंशन बिल्कुल सही रखना है, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग और सारे शाइन के लोग देख सकते हैं। ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए और इंटेंशन सही रखिए। देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, आपको लेकर उनका मूड, उनकी फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन। रिलैक्स हो जाइए और बिल्कुल इंटेंशन सही होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मन में निगेटिविटी चलती रहती है तो वो फीलिंग्स आप फील नहीं कर पाते हो। ठीक है, देखिए रिवर्स कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए भी आया है। ठीक है, आप अपने जीवन में भी कुछ एक नई शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, जस्ट प्लीज गाइड करिए, डिवाइन गाइड करिए आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करी, राधा रानी गाइड करी, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति स्टैंडर्ड मास्टर स्पिरिट गाइड गाइड करे, अर्थ मदर फेरी मदर गाइड करे, दिव्य ऊर्जा दिव्य पावर ब्रह्मांड की शक्ति गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आवाज को इग्नोर कीजिएगा, एंजल्स प्लीज गाइड करे, डिवाइन डिवाइन गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करे। आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की, एंजल्स प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, कृष्ण गोविंद गाइड करे, लेट इट गो, एंजल्स गाइड करे, करेज। मेरे कुछ व्यूअर्स आप भी कंप्लीशन की एनर्जी में आइए, खुद के अंदर भी कुछ ढूंढिए, तो आपके पार्टनर भी कुछ ना कुछ ऐसा फील करें। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपके आपके पर्सन के एक सपने आए हों, तो उस सपने का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एडवेंचर कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं। अगर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपको सपने में आपके पार्टनर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सपने की मीनिंग जानने की जरूरत है। द आउटसाइड साइलेंस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर परेशान हैं, दिख तो रहा है कि परेशान है। हो सकता है ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट हैं, खुद को कंप्लीट करना चाहते हैं आपसे मिलकर। शायद उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपका सामना कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अधूरापन फील कर रहे हैं, तो ये आपसे मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे व्यूवर्स की एनर्जी देखा जाए तो अपनी एनर्जी में आप कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उन बातों से, पास्ट से, अकेलेपन से आप निकल नहीं पा रहे हो। लाभ कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है, हिम्मत जुटाने की, बट कुछ ना कुछ आपके तरफ कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जहां आपकी एनर्जी टूट जाती है। तो सेलिब्रेशन, मैं ये कार्ड लूंगी नहीं, ठीक है, रिवर्स के नीचे सेलिब्रेशन तो आया था, फिर एंजल्स चाहेंगे तो वो कार्ड दे सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, रिवर्स क्यों है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स की, द मून मिस कर रहे हैं, मिस करके इमोशंस को छुपा रहे हैं, थोड़ा ईगो एटीट्यूड भी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस भी है, प्यार भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी लेना है, क्योंकि खुद को आपसे मिलकर अपने आप को पूरा करना है। द हेरोफेंट, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि आपकी काफी अंदर से ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ रहा है। सिक्स ऑफ वांड्स, एंजल्स गाइड करें, टावर, भैया टावर आया हुआ है इनके लाइफ में, सेवन ऑफ कप्स, एंजल्स टू वांड्स। भाई देखिए, सबसे पहले ये पर्सन जो भी हैं, शायद ही आपका सामना भी नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिट, हो सकता है कि आपकी इनसे कमिटमेंट भी हुई हो या आपकी मैरिज हुई हो। ठीक है,
द आउटसाइडर की यहाँ एनर्जी है, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवर्थ की एनर्जी आई लेटिन को, तो लेट गो की एनर्जी जब आती है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो पीछे छोड़ने की जरूरत है, जो कि आप दोनों में से हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स, आप दोनों में से हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं उन्हें आप छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है, आप या आपके पर्सन, और ये पर्सन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ अपने पावर एटीट्यूड ईगो में भी हैं, जहाँ वो कहीं ना कहीं अपने ईगो को, अपनी पावर को, अपने इमोशंस को वो पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, इमोशंस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और जितनी फीलिंग्स आपके लिए ये छुपाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, फाइटिंग वगैरह हुए हों, ठीक है, हो सकता है तब से पर्सन काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गंभीर होने के बावजूद भी कंप्लीशन की एनर्जी, यानी कि उनके अंदर एक अकेलापन है और जब तक आप नहीं मिलोगे जब तक इनके अंदर वो कंप्लीशन पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि चैरियट की एनर्जी। लेकिन मुझे लग रहा बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स इस रिश्ते में अभी भी आप कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है, कुछ व्यूअर आप कन्फ्यूज्ड हो। लेकिन यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, करेज, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज्ड दिखाई दे रहे हो किसी रीजन्स के वजह से, एक दूसरे में गलत फहमियाँ हो जाने से भी आप लोग में इशू आ रहा है, ठीक है। क्या करूं, तो ये पर्सन इमोशंस, देखिए इनके पास आपके लिए प्यार है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन रिवर्थ की एनर्जी ये कह रहा है कि दिल से ही एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो या वो कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जरूर दिख रहा है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है, और इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो, वो भी कंफ्यूज्ड हैं, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इस पर्सन में वो करेज आने की जरूरत है, मतलब अभी भी थोड़ा ये कंप्लीशन की एनर्जी में है, खुद को आप आपसे मिलकर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन करेज जो कह रहा है ना, इनके अंदर जो करेज है वो जुटाने की इनको और जरूरत है, ठीक है। अब कंफ्यूज इसलिए है कि आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, ठीक है, आप इन्हें इग्नोर कर दोगे तो कोई ना कोई बात यहाँ पे दिख रही है जो ये महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कह रहे हो कि अपनी पावर में आओ, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और ये पर्सन शांत और खामोश हो जाते हैं, ठीक है, और ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देखिए कोई ना कोई बात है जो इन्हें यहाँ पे लग रहा है कि जितना हिम्मत जुटा रहे हैं कोई एक दूसरे को अनदेखा भी कर रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे है एक दूसरे को कोई अनदेखा भी कर रहा है, जिस वजह से यहाँ कंफ्यूजन स्ट्रांग है। लेकिन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कहा जाए तो और हिम्मत जुटाने की जरूरत है आपके पार्टनर को आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों में टावर भी आया है या फाइटिंग वगैरह भी हुए हैं तो इनको अकेलापन भी महसूस हो रहा है। देखिए अगर आप उनसे बात करते हो, देखिए उनकी फीलिंग्स है कि अगर आप बात करते हो तो चीजें ठीक हो जाती है, बट मैं यह कहना चाहूंगी चीजें ठीक हो जाती है लेकिन हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करना भी सही नहीं होता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जब दोनों के एक दूसरे पे ट्रू इंटेंशन, लव है, रिस्पेक्ट है और एक दूसरे के लिए जीते हैं, वहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन एक इंसान दे रहा है और एक इंसान ले रहा है, या ब्लॉक कर देता है, या दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, अपने लाइफ में अपने काम पर फोकस है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं होता, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज सही नहीं होता है, उससे और भी रिश्ते में दरारें आती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, रिवर्थ की एनर्जी है, आपके पार्टनर नई शुरुआत चाहते हैं लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि पुरानी बातों को वो भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मतलब वो करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन बाबू आप अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर की सोच कैसी है, क्या ऑन ऑफ सिचुएशन है, क्या आपको बार बार वेट कराते हैं, या फिर आप दोनों में ट्रू लव है लेकिन प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, ट्रेडिशनल को लेकर आ रहे हैं, कास्ट इशू को लेकर आ रहे हैं, एज गैप, फैमिली प्रॉब्लम्स,
पेरेंट्स प्रॉब्लम्स ये है तो एक बात भी है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इस वक्त मिस कर रहे हैं लेकिन अपनी पावर को भी देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ईगो मैं कह सकती हूँ, जिद्दी हो सकते हैं आज पर्सन, लेकिन जो भी टावर आया है ये इनको कंफ्यूज कर रहा है। अगर आप दोनों में ब्रेकअप भी हुआ है या आपने कुछ ऐसी बातें कह दी है, ठीक है, तो ये परेशान भी है और इनमें ईगो भी है, लेकिन क्या वो खुश है पूछा जाए तो क्या वो खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और मेरे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप लोग ऐसे भी हो कि आपके पार्टनर एडवेंचर की एनर्जी, स्ट्रेंथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों एक साथ मिलकर कभी काम किया करते थे या करते हो, या इस बीच आप लोगों में टावर आया है। तो ये कुछ के लिए है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में से एक हिम्मत जुटाने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश की जा रही है कि प्यार ऑफर किया जाए, एक नई शुरुआत की जाए। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हो कि आप दोनों एक साथ वर्क भी करते हो, लेकिन हो सकता है किसी प्रकार का टावर आने से, कंफ्यूजन हो जाने से आप दोनों में अलगाव भी आए, लेकिन इस रिश्ते में ये ऑफर करना चाहते हैं, फिर से ये काम एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ शुरू भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों साथ में हो तो ये एनर्जी उनकी है, एडवेंचर स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर ने आपसे वादा किया है, या फिर आपकी कमिटमेंट हुई है, या कमिटमेंट टूटी है, या आपके पार्टनर कमिटेड है, यहाँ पे दिख रहा है जो भी प्रॉब्लम्स है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, तेजी से ये बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सबकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी नहीं है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, बट उनमें अभी भी कंफ्यूजन है और ईगो है, सिर्फ आपके लिए रोमांस है, क्योंकि ये काफी अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, मिस जरूर कर रहे हैं लेकिन एटीट्यूड के साथ, ईगो के साथ ये थोड़ा आपको झटका दे सकते हैं, आप पर गुस्सा दिखा सकते हैं, और इनका मनसा है कि नई शुरुआत तो चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं भुलाना तो चाहते हैं लेकिन ये भुला नहीं पा रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं, इमोशंस को दबा रहे हैं, प्यार ऑफर करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे रोमांस की एनर्जी, आपके साथ रोमांस चाहते हैं, लेकिन सक्सेस भी चाह रहे हैं, बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से टावर आया आप दोनों के बीच में, किसी तरह से बहस फाइटिंग हुए हैं या किसी की सच्चाई सामने आई है, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हैं, ठीक है। और ये आपके साथ रोमांस चाहते हैं, करेज जुटा रहे हैं कि आपको ऑफर करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड ईगो भी है, ये आपको ईगो से भी डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को एक अधूरापन फील भी हो रहा है, ठीक है। पास्ट में ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन इनके मन में है कि पुरानी बातों को भुला दूं और एक नई शुरुआत करूं, लेकिन इनमें अभी बाबू मैं बोल दूं थोड़ा एटीट्यूड है, और जो टावर आया है ना आप दोनों के बीच में, वो टावर के वजह से इस पर्सन में थोड़ा सा और मैं देख पा रही हूँ, प्यार इमोशन सब कुछ है लेकिन फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, लेकिन दिल में ये चल रहा है ही इस रिश्ते में भी सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते में भी ये सक्सेस चाहते हैं। अब रही बात मैरिज और कमिटमेंट की, तो देखिए बाबू अभी इस वक्त ये हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे मिलने की, फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फायर एनर्जी इसलिए दिख रही है कि यहाँ पे रेड रेड की वाइब्रेशन है, ठीक है। लेकिन बोलूं यहाँ पे एक एनर्जी बहुत कम, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर का बहुत कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक जैसे टावर आया है तो रेड रेड की वाइब्रेशन मुझे ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं फायर एनर्जी इनके अंदर, गुस्सा भी है, ये बातचीत भी कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मुझे यहां पे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप सोचते हो क्या, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको खुद आकर आपसे बात करें, गलतियों की माफी मांगे, वो आपसे सॉरी कहें, उनसे गलती हुई है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप ट्रेडिशनल भी हुए हो, मतलब आप स्पिरिचुअल भी हुए हो, ठीक है, कुछ व्यूअर्स आप ऐसे भी, लेकिन आपको लगता है कि मैं ही क्यों, बार बार मैं ही क्यों, ठीक है, तो आप भी इंतजार कर रहे हो, वो भी इंतजार कर, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप चाहते हो कि उनकी गलती है तो वो आकर मुझसे माफी मांगे, सॉरी बोले, क्योंकि गलती उनकी है लेकिन आपको ब्लेम देते हैं,
और ये भी चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपको प्रपोजल दे मैरिज का, कमिटमेंट का, साथ रहने का। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, अभी भी मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसे नहीं सबके पार्टनर सिर्फ प्यार इमोशन से शेयर कर रहे हैं, अभी इनमें थोड़ा गुस्सा एटीट्यूड भी है, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में जो टावर आया ना, इनका और गुस्सा बढ़ा है। लेकिन देखिए मिक्स एनर्जी है, पुरानी बातों को भुलाना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, करेज जुटा रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि द मून की एनर्जी जहां गई तो कहीं ना कहीं रिवर्थ भी होगी, तो ये थोड़ा सा दिखावा कर सकते हैं कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ इमोशंस है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और किसी के बातों में भी ये आ रहे हैं, ठीक है। जो भी हो, यहाँ किसी के बातों में भी ये आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इनके आसपास का माहौल सही ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा सा ईगो से डील कर रहे हैं। अगर आप मना लोगे तो ये मान जाएंगे, लेकिन तब भी ये आपसे ईगो से ही बात करेंगे, ठीक है, ये ईगो से ही बात करेंगे। और ऐसी नहीं है, कंप्लीशन की एनर्जी अधूरापन है, लेकिन फिर भी अगर कमिटमेंट मैरिज की बात की जाए तो उनको इस रिश्ते पे काम करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा इस वक्त। ये सिर्फ आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे व्यूअर्स आप हील हो चुके हो तो आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो या मिस कर रहे हो, या वो अपने एटीट्यूड में है, या फिर उनके अंदर आपके लिए प्यार और रोमांस है। ये मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर अनुभव भी हो रहा है। तो ये पर्सन करेज जुटा रहे हैं, लेकिन बाबू मैं बोल दूं कि ये पर्सन में थोड़ा एटीट्यूड है, प्यार अपनी जगह है लेकिन ईगो एटीट्यूड है, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ। देखिए अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है तो जरूर कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा सिर्फ आप इस्तेमाल किए जा रहे हो, वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, ठीक है। वो रिश्ता नहीं रहता, वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है, और हट आप होते हो, परेशान आप होते हो, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं रहता। अगर धन दौलत भी है तो भी आप खुश नहीं हो, ठीक है। अगर वो किसी बात से हट भी है तो ठीक है, सही है। अगर हट भी है और आपसे उन्हें प्यार है तो वो आते ही आते हैं, ठीक है। कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अंदर से खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि पहले तो प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और उस पर्सन से उतना ही प्यार चाहिए कि जितना आप देते हो, नहीं तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। कनेक्शन में इक्वल लव होना चाहिए, तो आप अच्छे से जान सकते हो बाबू। देखिए यहाँ पे ये पर्सन कहीं से निकलना चाहते हैं, परेशान दिख रहे हैं। यहाँ भी देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, साइलेंस की एनर्जी, आउटसाइडर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी चेंज करने की जरूरत है, खुद की एनर्जी को, अपने माहौल को, अपनी वाइब्रेशन को। सिर्फ आपके तरफ आ जाने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है, क्योंकि कंप्लीशन है, द आउटसाइडर है। तो ये पर्सन इस वक्त परेशान है, स्टक हो सकते हैं, लेकिन परेशानियां जब जिसके पास होती है वहां पे गुस्सा, ईगो, जिद सब कुछ आता है, लेकिन उसमें पावर भी आती है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, इमोशंस को छुपा रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है और ये कहीं से निकलना चाहते हैं, क्योंकि कंप्लीशन की भी एनर्जी द आउटसाइडर की एनर्जी है। ये पर्सन निकलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ परेशानियां, कुछ ब्लॉकेज है जो कहीं ना कहीं टावर ला रहा है। कुछ लोगों की बातचीत हो रही है, जो कभी कभी इनका मूड ऐसा होता ना कि किसी ने कुछ कह दिया आपके खिलाफ तो एकदम से वो मान जाते हैं कि हाँ ऐसा है, फिर ये चुप हो जाते हैं। जब अकेले में ये जाते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके ही बारे में फील करते हैं, और कभी कभी बहुत बर्डन भी महसूस करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पर्सन आपको प्यार जरूर करते हैं, रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, इस वक्त आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं और आपके तब अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी एनर्जी सही नहीं दिख रही कि एकदम से आपके तब एक्शन ले रहे हैं। एक नई शुरुआत चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, ईगो को कम करना चाहते हैं, करेज चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्यार रोमांस भी है, लेकिन कंफ्यूजन, मुझे लग रहा है दोनों के तरफ कंफ्यूजन है, ठीक है।
दोनों की तरफ मैं कंफ्यूजन देख पा रही हूं। नेक्स्ट एक्शन देखना चाहूंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स? जब तक इंसान बैलेंस्ड नहीं हो जाता है, डिसीजन नहीं लेता है, जब तक उनके अंदर पूरी तरह कंप्लीशन नहीं आती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द एम्परर की भी एनर्जी है, तो अपने एटीट्यूड को, अपने गुस्से को, अपने ईगो को कम करें तो रिश्ते में बैलेंस बहुत अच्छे से आएगा, कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपको पसंद भी करते हैं और ऑफर भी करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी रियूनियन होने वाली है, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है पहली बात तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एंजल ब्लेसिंग्स है, डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके पार्टनर। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को हील होने की जरूरत है और ये आपके तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आपकी जरूरत है। और मुझे लग रहा है काफी हद तक मेरे व्यूअर्स अपने आप को हील कर रहे हो या हील हो चुके हो और अपने पर्सन की एनर्जी को आप पिक भी करते हो क्योंकि आप भी मिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मिस नहीं कर रहे हो, तो आप भी मिस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मुझे लग रहा है कि टेम्परेंस की एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंजल ब्लेसिंग्स भी है, इमोशंस भी है, प्यार भी है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी है, लेकिन हो सकता है कंफ्यूजन आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन ना आपके तरफ आना चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, रियूनियन होने वाली, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है। देखिए यहाँ पे कार्ड देखा जाए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इमोशंस है, देखिए पानी है, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी रास्ते भटकने लगते हैं तो इंसान को लगता है कि मुझे दोनों तरफ बैलेंस कर चलना चाहिए। या फिर हो सकता है कि कंफ्यूजन इस बात का है कि आप उनको या उनके लाइफ में जो चल रहे प्रॉब्लम्स को या कोई थर्ड पार्टी उनको आप समझ नहीं पा रहे हो, जिस वजह से कभी कभी ये पर्सन के लाइफ में टावर आता है। और ये टावर जो भी आया, ये आपके, ये इनके लाइफ में अगर टावर आया है तो ये टावर कह रहा है कि कुछ ना कुछ आपके तरफ ये आना, कुछ ना कुछ आपके तरफ करना चाहते हैं, मतलब कि रियूनियन चाहते हैं अगर इनके लाइफ में टावर आया। लेकिन इनको अपने ईगो एटीट्यूड से, किसी और के बात में आ जाने से रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। तो आपके पर्सन ऐसे भी हैं कि टावर भी आया है तो किसी के बातों में आते हैं और कहीं ना कहीं सारे प्रॉब्लम्स ये कर जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है इनके लाइफ में थर्ड पार्टी हो जहां दोनों तरफ बैलेंस कर चलना चाहते हैं, थोड़ा ये कंफ्यूज है कि करूं तो क्या करूं, मिस कर रहे हैं, ये दिख रहा है मिस तो कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स करेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन अब यह आपके तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। यहाँ फोर नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फोर नंबर और सिक्स नंबर इम्पोर्टेंट है, सेवन नंबर इम्पोर्टेंट है, सेवन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सिक्स नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फोर नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स कुछ समय लगेंगे, कुछ घंटे लगेंगे इनको अपने आप को बैलेंस करने के लिए और आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं, हो सकता है अगले कुछ घंटे लग सकते हैं, तो मैं यहाँ छः घंटे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है चार घंटे हो सकते हैं, सात घंटे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए कुछ घंटे थोड़ा वेट कीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी कंप्लीशन ये चाह रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं, रिवर्स ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एडवेंचर आपके साथ कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, इमोशंस को दबा भी रहे हैं, ठीक है। तो एंजल मैसेज देख लेते हैं, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, एंजल्स ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें, एंजल्स गाइड करें, टेक एक्शन, क्या बात है, बहुत जल्द एक्शन हो रहा है। और कुछ व्यूअर्स नो की एनर्जी आई है, बिग हैप्पी चेंजेस, मैं आपको बताती हूँ क्यों आई है बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, पहली बात तो जो व्यूअर्स आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेशन में बैठिए, कोई भी सवाल है मन में तो आप एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हो, आपको सपने के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपको वो गाइडेंस जरूर मिलेगी, ठीक है।
और ग्रेटिट्यूड दिया करें। यहाँ पे देखिए नो, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें नो की एनर्जी में क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो रॉन्ग जा रहा है। नो मतलब कि करेंट सिचुएशन में नो की एनर्जी है कि कुछ अभी इसी वक्त कुछ नहीं हो रहा लेकिन आगे होने वाला है, टेक एक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द आपके तरफ एक्शन हो रहा है और बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो अगले कुछ घंटे जितना हो सके आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करें, नो की एनर्जी में ना रहें, यस की एनर्जी में रहें, हो सके तो मेडिटेशन भी करें ताकि आपके पार्टनर का ईगो लेट गो हो जाए और रिवर्थ आपके तरफ हो जाए, ठीक है। उन जो मिसिंग एनर्जी, जो इमोशंस को छुपा रहे वो इमोशंस आपको वो शेयर करें, ठीक है, कुछ आपके साथ नई शुरुआत करें, हिम्मत जुटा सके। तो यहाँ पे नो की एनर्जी में मत आइए, यहाँ पे यस की एनर्जी में आइए, ठीक है। और एंजल्स कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करें, खुद को हील करें, मैनिफेस्टेशन करेंगे, सब कुछ सही होगा, आपको ऑफर भी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी बहुत सारे व्यूवर जी, आपके पार्टनर आ रहे हैं, एक्शन होने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, बहुत जल्द। अगले कुछ घंटे आप अपने आप पर ध्यान रखें, हील करें और हो सके तो ग्रैटिट्यूड शो करें, हो सके तो जितना अपने आप को एंजल से कम्युनिकेट करें, मैनिफेस्टेशन करें, उनका फोटो देखें, उनका नाम लिखें, कॉल मी, थैंक यू सो मच, इस तरह से वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव गाने सुनिए जो एक दूसरे को मिलाता हो, एक दूसरे को फील कराता हो, एक दूसरे के लिए वैसे गाने सुने, तो कुछ ऐसे कुछ सुनेंगे तो वाइब्रेशन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और क्या आएंगे, बिग हैप्पी चेंजेस। गॉड से कार्ड्स को देखें, मैनिफेस्टेशन करें, एंजल्स आपके साथ हैं, देखिए किस तरह से ये हैप्पी हैप्पी है, तो इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। तो बहुत जल्द आपकी कांटेक्ट हो रही है, आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं तब भी कहना चाहूंगी, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि देखिए एनर्जी का जो भी है, एनर्जी ऐसी होती है, मैं बार बार गाइड करती हूँ, जहाँ टावर आता है, फाइटिंग आता है, हमें हमेशा करती हूँ कि अपनी हिम्मत जुटा के रखना, किसी तरह का टावर नहीं, किसी तरह का फाइटिंग मत करना, ठीक है। तो आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, अगले कुछ घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है खुद पर वर्क करने के लिए, तो खुद पर वर्क करें, खुद को सजाएं, खुद को सवारें, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस हुआ, हेयर को कोम करें, ठीक है, कोम करें, लुक में और मैनिफेस्टेशन करें, अपने आप को मिरर में देखें, इमेजिन करें आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, ठीक है। तो इस तरह इमेजिन करें आप, देखिए बहुत जल्दी एनर्जी आ रही, नो की एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि नो की एनर्जी में रहिएगा कुछ भी नहीं होगा, यस की एनर्जी में रहिए, टेक एक्शन, बिग हैप्पी चेंज इन द नियर फ्यूचर, और ये रिसीव कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, आप देख रहे हो आपका इंट्यूशन अच्छा है, अगर मैनिफेस्ट करेंगे वो सारी चीज आप अट्रैक्ट करोगे, वो चीज पूरी होगी, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।